चलिए आज हम ब्रेड से बहुत ही टेस्टी डेजर्ट बनाने वाले हैं। उसके लिए मैंने आधा लीटर दूध लिया है, ये नॉर्मल टेम्परेचर पर ही है। पांच हमारे ब्रेड के स्लाइस हैं। ब्रेड को हम चार चार पीसेस में कट कर लेते हैं। मैंने दो ब्रेड लिया है अभी, इसको हम ऐसे करके कट कर लेते हैं, बिल्कुल ऐसे। सारे ब्रेड को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है, कढ़ाई भी गर्म है और तेल भी हमारा हल्का गर्म है। तेल के बदले आप घी में भी ब्रेड को फ्राई कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने ब्रेड को इसमें डाल लेते हैं। इसे तलते समय हमें गैस की आंच को मीडियम ही रखना है। इसे हमें गोल्डन ब्राउन करना है। ऐसे ही उलटते पुलटते हमें गोल्डन ब्राउन कर लेना है। ये ब्रेड हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। तेल को अच्छे से गिरने दें। सारे ब्रेड को हम ऐसे ही गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ऐसे ही उलटते पुलटते हुए हमें इसे भी फ्राई कर लेना है। ये ब्रेड भी हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। मैंने सेम कढ़ाई फिर से साफ करके चढ़ा लिया है। इसमें हम दूध को डाल लेते हैं। थोड़ा दूध हम बचा लेंगे। दूध को हमें धीमी धीमी आंच पे 10 मिनट तक पका लेना है। इसमें अच्छे से उबाल आने दें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल रामरति की रसोई को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते, ये बिल्कुल फ्री होता है। एक इलायची हम इसमें कूट के डाल लेते हैं। दो चम्मच हमने कस्टर्ड पाउडर लिया है, इसमें हम अपनी दूध को मिक्स कर लेते हैं। इसे अच्छे से मिला लें। इसे अच्छे से मिक्स करें ताकि इसमें लम्स ना रहे। अब हम इसे दूध में डाल लेते हैं। दूध अच्छे से उबलना शुरू हो गई है, अब हम अपनी कस्टर्ड पाउडर इसमें डालते हैं। एकाएक नहीं डालना है, धीरे धीरे डालना है। इसे हमें गाढ़ा होने तक पका लेना है। जितना आपको मीठा पसंद है उतना आप इसमें चीनी डाल दें। इसमें मैं 3 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। दूध हमारी गाढ़ी हो चुकी है, इतना से ज़्यादा हमें गाढ़ा नहीं करना है, नहीं तो ये ठंडी होने पर और गाढ़ी हो जाएगी। गैस का फ्लेम हम बंद कर लेते हैं। चलिए इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। मैंने इसे एक बाउल में निकाल लिया है, अब हम इसमें ब्रेड के स्लाइस डाल देते हैं। ऊपर से हम इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट लेते हैं और डाल देते हैं। इसमें मैंने काजू और बादाम लिया है। ये डेजर्ट को मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, देखिए ये कितना टेस्टी बना है। देखने में तो अच्छा लग ही रहा है, उससे ज़्यादा आपको खाने में अच्छा लगेगा। इस रेसिपी को एक बार आप जरूर ट्राई करें और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।